14 महीनों में दूसरी बार दिल्ली चुनावों की तरफ बढ़ रही है। इस मौके पर एबीपी न्यूज हर पार्टी को अपना घोषणा पत्र पेश करने का मंच दे रहा है। एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। नमस्कार। एक जमाने की बात थी जब बात विकास की हुआ करती थी और चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, मगर फिर दिल्ली की सियासत में यह आभास हुआ कि एक शख्स है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, लिहाजा उसके बाद कुछ और चीजों का प्रवेश हुआ। बात हुई किरण बेदी की, उसके बाद पूरा कैबिनेट उतर आया, और यही नहीं, कहीं ना कहीं बीच में ओबामा जी ने भी एंट्री मारी। तो सवाल ये कि क्या दिल्ली की जो चुनाव होने वाले हैं वो बीजेपी का सबसे बड़ा सिरदर्द है, और ये चुनौती उस शख्स के सामने है जो आज घोषणा पत्र में मेरे मेहमान हैं। मेरे साथ हैं प्रभात झा, जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रभारी हैं। उनसे तो हम बात करेंगे ही, मगर आइए पहले देखते हैं उनके सियासी सफर पर ये रिपोर्ट। राहुल गांधी जी अगर इतने अच्छे होते तो ये दुर्गति होती? विपक्ष के नेता के रूप में नहीं बचे। एक मिनट में पार्टी में मैं देखिए, एक मिनट में मैं मना नहीं करूं, तुम्हारे समर्थक तुम्हारे घरों में नहीं। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा का ये अलग अलग अंदाज है। विरोधियों पे हंसकर व्यंग करते हैं तो अपनी पार्टी के बगावती तत्वों पर सख्ती बरतते हैं। एक मिनट में पार्टी में मैं लेके, एक मिनट में मैं मना नहीं करूं, जो तुम्हारे समर्थक तुम्हारे तुम्हारे घरों में नहीं। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे, और राजनीति के मैदान में आने के बाद इन्होंने काफी कम समय में कामयाबी की नई कहानी लिख दी है। बिहार का सीतामढ़ी जिला इनका जन्मस्थान है और इन्होंने ग्वालियर से पत्रकारिता शुरू की। संघ के संपर्क में आने के बाद ये राजनीति में रुचि लेने लगे और साल 2008 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने। मध्य प्रदेश में पहले उमा भारती और बाद में शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर इन्होंने मध्य प्रदेश बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्रभात झा मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। इनके संगठन कौशल और चुनावी रणनीति पर पकड़ को देखते हुए पार्टी ने इन्हें दिल्ली में बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा प्रभात जी को। प्रभात जी आए और दिल्ली की जनता को बताएं कि आखिर आप पर जनता क्यों एतबार करे। प्रभात जी, बहुत बड़ी चुनौती होगी प्रभात जी के सामने, तो आप दो या तीन मिनट में बताएं प्रभात जी कि दिल्ली की जनता आप पर क्यों एतबार करे और क्यों वोट दे। भारतीय राजनीति की और सियासत की पूरी तरह से उसकी प्रकृति बदल रही है। एक समय देश किसी एक व्यक्ति के हाथ में और एक पार्टी के हाथ में सौंपा गया था, आज ठीक उसी प्रकार घड़ी की सुई बदली है और एक पार्टी जो वर्षों तक विपक्ष में रही उसके मुखिया ने देश के प्रधानमंत्री पद का दायित्व जनता के समर्थन से प्राप्त किया है। दिल्ली भी एक राज्य है और दिल्ली भारत की राजधानी है। राजधानी भोपाल भी किसी राज्य की है, बेंगलोर भी किसी राज्य की है, लेकिन भारत की राजधानी नहीं है। और यह भारत की राजधानी है, इसका अपना एक स्वरूप होना चाहिए। बहुत वर्षों में वो स्वरूप नहीं बन पाया है। दिल्ली का सामाजिक विकास, दिल्ली का नैसर्गिक विकास, दिल्ली का भौगोलिक विकास, दिल्ली का सांस्कृतिक विकास जो नहीं हुआ आज तक, उस दिशा में हमने कोशिश करने का प्रयत्न करके कि यह सरकार आएगी जो केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अगर उसकी अनुकूलता वाली सरकार बनती है, जिसमें डेमोक्रेटिक में हमारा राइट है लोकतंत्र में कि हम कोशिश करके सरकार बनाएं, जनता के समर्थन से बनाएं, इसलिए इसके नैसर्गिक विकास के लिए भारत के राज्य की राजधानी, भारत राज्य की भारत की राजधानी और अच्छे हो, जैसे लोग अन्य राष्ट्रों के राजधानी के बारे में कल्पना करते हैं, यहां के व्यक्तियों का विकास हो, यह सब कोशिश करने की है। दूसरा, एक दूसरा पक्ष भी है, कहीं दिल्ली अराजक तत्वों के हाथ में तो नहीं चला जाएगा। एक लंबी शहादत लगती है, एक पीढ़ियों की शहादत लगती है किसी पार्टी को खड़ा होने में। कोई चोरी की गई पार्टी, चुरा कर बनी पार्टी,
श्रद्धा किसी की, पार्टी किसी ने बना ली। हम इसलिए जनता को आगाह भी करना चाहेंगे कि अराजकता के हाथ में दिल्ली ना जाए, दिल्ली किसी ऐसे हाथ में न चला जाए जो धरना से लेकर प्रदर्शन में विश्वास रखता हो, विकास से दूर जिसकी गति हो, जिसको जनता ने मौका दिया अनैतिकता के संबंधों के आधार पर भी कि मैं बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि मैं समर्थन नहीं लूंगा कांग्रेस की, उसके बाद उस समर्थन लेकर बनाना, उसके बाद मुंगेरी लाल के सपने देखना और यहां से जंप मारना बनारस कि मैं पीएम बन जाऊंगा, फिर वहां पे वादा करना कि मैं यहीं का बन के रहूंगा, फिर वहां हार गए तो यहां, ये सब चीजें राजनीति में, राजनीति एक गंभीर विषय है, समाज के दर्द को देखने का विषय है, समाज की सेवा करने का विषय है। और इसलिए हम लोगों ने अपना दायित्व, ये हमारा दायित्व है, ये राजनीतिक धर्म है, सामाजिक धर्म है, सांस्कृतिक धर्म है, दलीय धर्म है कि हम जनता को आगाह करें। और इसी नाते इस दिल्ली के चुनाव में हम उतरे हैं, हां तीन बार हम धोखा भी खाए, तीन बार हमें समर्थन भी नहीं मिला है, इसलिए हमारी कोशिश है कि इस बार जब महाराष्ट्र में हवा बही, हरियाणा में हवा बही, झारखंड में बही, जहां हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहादत हुए वहां सर्वाधिक सीटें हमें मिली है हमारे पार्टी के नाते, क्यों ना हम दिल्ली में भी जीते, जनता के समर्थन से इसकी कोशिश कर रहे हैं। प्रभात जी बहुत बहुत शुक्रिया, आइए बैठें मंच पर और कृपया इस माइक का इस्तेमाल कीजिएगा लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। और अब मैं जा रहा हूं लोगों के बीच में उनके सवाल करने के लिए, और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त के बड़े प्रश्न, और वो सवाल ये है कि क्या केजरीवाल से डर गई बीजेपी। सवाल यहां पर ये है प्रभात जी कि क्या केजरीवाल इतना बड़ा सिरदर्द कि आपकी पूरी जो प्रचार है वो इतना ज्यादा नकारात्मक हो गया है। आज मसलन जो अखबार में जो एक एड आया है उसमें दो आपत्तिजनक चीजें कही जा सकती हैं। पहली बात, अगर एक शख्स ने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई है तो क्या आप उसके बच्चों का कैरिकेचर बनाकर उस एड में छाप देंगे, नंबर एक। नंबर दो, आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि उसी एड में एक व्यक्ति के फोटो पर माला डला हुआ है, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपने अन्ना हजारे की फोटो पर माला डलवा दी है, तो क्या एक व्यक्ति ने इस कदर आपकी सियासत को बौखला दिया है कि इस हद तक आप नकारात्मक हो गए हैं। सवाल यह नहीं, मैंने पहले कहा कि अराजक तत्वों से समाज को सावधान करना यह हमारा काम है। बात रही, दो प्रश्न आपने किए हैं, मैंने तो बच्चे की कसम नहीं खाई थी कि मैं दोनों बच्चों की कसम खाकर कहता हूं। क्या राजनीति को इतना दूषित करने का अधिकार किसी को दिया गया है? क्या राजनीति इतने निचले स्तर की हो गई है कि हम घर के बच्चों का उपयोग करेंगे और उसकी कसम खाकर कहेंगे कि नहीं नहीं हम कांग्रेस से कोई नीतिगत संबंध नहीं रखेंगे और उसके बाद फिर हम वही संबंध रखेंगे? तो क्या हम समाज को नहीं बताएं? क्या राजनीति को अराजकता की ओर जाने दें? क्या राजनीति को झूठ की ओर जाने दें? दूसरा सवाल था आपका, हमने कहा है कि अन्ना के सिद्धांतों को तिलांजलि और उसको श्रद्धांजलि देने का किसी ने काम किया है तो केजरीवाल ने। अन्ना की पवित्रता पर कोई न शंका थी, न है, न रहेगा। अन्ना के सारे काम पर, अन्ना के तिरंगा पवित्रता पर, अन्ना के पूरे सिद्धांतों के प्रति हमें पूरा लगाव है। हमने उनके बारे में कोई गलत बात करने की, हाँ नहीं, मगर क्या आप उसे महज प्रतीकात्मक मान सकते हैं? प्रभात जी, आपने एक व्यक्ति के तस्वीर पर माला चढ़ा दी है, वो व्यक्ति जो जिंदा है, क्या उसे आप प्रतीकात्मक मान सकते हैं? निश्चित तौर पर हमने ये कहा है कि अन्ना को, अन्ना की हत्या, सिद्धांतों की हत्या किसने की है? अरविंद केजरीवाल ने की है, हमने संकेत दिया है। चलिए पहला सवाल, ये केजरीवाल फोबिया से बीजेपी कब बाहर आएगी? और मुझे लगता है कि पूरे चुनाव के दौरान रेडियो एड से लेके हर जगह केजरीवाल ही बीजेपी के सेंटर में रहे हैं, बीजेपी के सारे कैंपेन के। तो ये क्या केजरीवाल को मदद कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है? मुझे तो लगता है कि इससे केजरीवाल को मदद हुई है। देखिए, लड़ाई में कोई कमजोर नहीं होता है, एक बात मैंने पहले शब्द से कहा है कि अराजक तत्व को हटाना है, और मैं हटाने पर विश्वास नहीं रखता, मैं इस मानसिकता को मिटाने में विश्वास रखता हूं। और इसलिए हमारे कैंपेन का आधार बना है कि सत्य को सामने लाओ, जनता को आगाह करो। हम डरेंगे क्यों? हम जब कांग्रेस से नहीं डरे, जब दो थे तब नहीं डरे, आपातकाल में जेल में 19 महीने रहे, माफी नहीं मांगी तब नहीं डरे, अब क्या डरेंगे? कम्युनिस्टों को एक त्रिपुरा में छोड़कर हमने कहा कांग्रेस मुक्त भारत,
कम्युनिस्ट मुक्त तो हो गया, त्रिपुरा में बचे हैं, इसलिए धीरे धीरे किरण बेदी आई तो लगा कि कोई बराबरी का खड़ा होगा और किरण बेदी पॉजिटिव उनके पक्ष में प्रचार जाएगा। क्या आपने किरण बेदी को भी से भी भरोसा उठा लिया है और फिर अरविंद पे ही सारा कुछ आ गया? किसने कहा? किरण बेदी जी जनता की पल्स है, जनता जानती है। भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा चरित्र बदला है कि ईमानदार और विकासशील व्यक्ति चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत के साथ, हमारा विस्तार हो रहा है, लोग आ रहे हैं, किरण बेदी जी ने इच्छा व्यक्त की, हम लोगों ने इच्छा व्यक्त की, इसलिए किरण बेदी जी टेस्टेड हैं। पुलिस में रहने के बाद 40 साल की नौकरी के बाद अगर पुलिस में काजल की कोठरी में काजल न लगे, कालिख न लगे, तो इससे बड़ा कोई बात नहीं होती है। पुलिस में रहने के बाद अगर उन्होंने अपनी ईमानदारी जीवित रखी और दिल्ली की जनता ने उनके ईमानदारी को नमन किया है, प्रणाम किया है, इसलिए मुझे लगा कि हम लोगों ने सही निर्णय लिया है। अगला सवाल प्रभात जी, मेरा सवाल है आपसे कि आप कह रहे हैं कि किरण बेदी बेहद ईमानदार छवि की हैं, उन पर तीन आरोप लगे हैं। एक तो उन्होंने अपनी बिटिया के कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए फर्जी एफिडेविट दिया। दूसरा जब उनको कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ही बनाया गया तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कैसी ईमानदारी है कि बिटिया के एडमिशन के लिए फर्जी एफिडेविट दे देते हैं, अगर आपको आपका मनचाहा पद नहीं मिलता है तो फिर आप नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। तो केजरीवाल ने भी इस्तीफा दिया नौकरी से और जन आंदोलन में कूद गए, किरण बेदी ने भी वही किया, तो ये ईमानदारी कैसी है? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आज तक जो परिपाटी रही है बीजेपी के भीतर कि जो संघ की पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं उन्हीं को पार्टी के प्रमुख पदों पर बैठाया जाता है। देखिए, पहला सवाल आपने किया, मुझे उनकी बिटिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न मैंने कभी सुना है न पढ़ा है, हो सकता है तो मैं आपसे चर्चा कर लूंगा। दूसरा सवाल आप, क्या ये बहुत सुविधावादी जवाब नहीं है आपका? नहीं, कोई सुविधावादी नहीं, जो जानकारी नहीं मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, घोषणा पत्र में बिठाया। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में जानकारी न रखना। नारायण जी, मैं उनके बारे में जरा बता दूं, उनके प्रश्न का, नहीं उनके प्रश्न का उत्तर दे दूं। विकास जी ने कहा है कि वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यही उनके स्वाभिमान का और उनकी ईमानदारी का परिचायक है कि जो जेन्यून चीज मिलना चाहिए था नहीं मिला तो सॉरी, मैं कर्मठता से जनता की सेवा करूंगी। सिर्फ वर्दी पहनकर सेवा नहीं हो सकती, उसके बिना भी सेवा हो सकती है। और उन्होंने नवज्योति नामक संस्था के माध्यम से समाज की सेवा करने का एक उदाहरण, बेमिसाल मिसाल प्रस्तुत किया है। बात रही आरएसएस की पृष्ठभूमि से, आरएसएस एक बहुत उदारवादी संगठन है जिसको आप सब लोग माने न माने, मैं तो उसका स्वयंसेवक हूं इसलिए मैं जानता हूं, और इसलिए बहुत क्लियर कट है कि आज का विरोधी, हम यहां तक कहते हैं कि आज का विरोधी कल का हमारा समर्थक होगा। किरण बेदी तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ी हुई थी, और दिल्ली का विकास देखना है, इसमें आरएसएस की तलाश नहीं करनी है, और दिल्ली का विकास ईमानदारी से कौन कर सकता है, इसको देखने में हमें लगा कि किरण बेदी जी बेस्ट हैं। प्रभा जी, मैं वापस मुद्दे को आप लाना चाहूंगा। अब ये जो आपने पांच सवाल पूछे केजरीवाल से, वो आपसे कह रहे हैं हम सवाल नहीं, आप बहस कीजिए, आमने सामने आइए। आपको नहीं लगता जनता में मैसेज जा रहा है कि एक पार्टी जो है वो दूर से सवाल करना चाहती है, वो भी ऐसे सवाल जो कि बहुत ही सतही हैं, मगर दूसरी तरफ एक आदमी कह रहा है आइए मेरे सामने, आप अपने दावेदार को लाइए, मैं बहस करने को तैयार हूं, तो जनता को मैसेज क्या जा रहा है? अभिसार जी, आप बनारस में गए थे या नहीं मुझे पता नहीं, वहां पहला सवाल किया था अरविंद केजरीवाल जी ने कि मैं नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा हूं, आए और मां गंगा के नदी के 80 घाट पर आकर मेरे से बहस करें। बहस मैं कह दूं कि मैं सोनिया जी के सामने बहस करना चाहता हूं, मैं नेहरू जी रहे नहीं, महात्मा गांधी जी रहे, मैं उनके सामने कैसी बातें करने, किससे बहस करना, अराजक तत्व से समय खराब करना, देश में ऐसे राजनीतिक तत्वों जो राजनीति के नाम पर राजनीति को दूषित करने आए हैं, भारतीय राजनीति में ऐसा दौर कभी नहीं आया, दिल्ली की राजनीति में नहीं आया, इसलिए हम बहुत संजीदगी के साथ, बहुत गंभीरता के साथ ऐसे अराजक तत्वों के सामने जनता के समर्थन से जवाब देना चाहते हैं, बहस से नहीं। मगर उस अराजक तत्व के लिए आप अपनी पूरी सियासत भी बदल रहे हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आपने, मेरा नाम शेष नारायण सिंह है, आपने विकास की बात साल भर पहले सितंबर 2013 से शुरू की थी और उस पर आप हर जगह आप विजयी भी रहे। यहां पर आपका पूरा प्रचार विकास को भूल के अरविंद केजरीवाल की निंदा में, और आप जानते हैं नेगेटिव करने से नरेंद्र मोदी को जिन वर्गों ने बहुत बड़ा नेता बनाया उसमें उनके प्रशंसक बिल्कुल नहीं थे, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र, इसकी अपने अरविंद केजरीवाल की जो दहशत तारी है
पार्टी के हर स्तर पे उसका नेगेटिव प्रचार करके आप अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा नेता नहीं बना रहे? देखिए, आम पार्टी और केजरीवाल जी अपने राजनीतिक जीवन के जो जीवन बना है उनका 1.5-2 साल में, वो अंतिम दौर में जनता के बीच में शेष नारायण जी हम लोग भी रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, और हमको एक राजनीतिक दल का दायित्व है। इसलिए बहुत समझदारी से नरेंद्र मोदी पर जिस तरह के आरोप लगे थे वो झूठे आरोप थे, और क्या क्या नहीं हुआ 12 साल में, ये तो झूठ है ही, फरेबाज हैं ही, धोखेबाजी कर ही रहे हैं। अब आप बताइए, किरण बेदी जी के बारे में कह दिया कि 2 सर्टिफिकेट है, दो जगह से नाम है इनका, और आज इसी ने क्या जवाब दिया कि नहीं नहीं गलत। क्या इस तरह की गुमराहपूर्ण राजनीति का जवाब नहीं देना चाहिए? क्या मौन स्वीकृति देना चाहिए? क्या हम ऐसे चीजों पर चुप रहें? क्या जनता को नहीं बताएं कि ये भाई गड़बड़ आदमी है? इसलिए दो तरह के विज्ञापन हम दे रहे हैं, एक हम पॉजिटिव भी दे रहे हैं, हमने कहा हम बिजली पर विकास करेंगे, 24 घंटे बिजली देंगे आपको, बिजली में हम आपको सस्ती देंगे, पानी पर बात कर रहे हैं, हम एक तरफ पॉजिटिव भी हैं, लेकिन हाँ, चरित्र को चित्र के माध्यम से जनता के बीच में लाने का हमारा राजनीतिक दायित्व है, उसे भी हम कर जी रहे। अगला सवाल प्रभात जी, मेरा नाम संगीता तिवारी है और मेरा सवाल आपसे यह है, हालांकि आप लगातार मना कर रहे हैं कि दिल्ली में पार्टी के अंदर कोई हड़बड़ाहट नहीं है, अरविंद केजरीवाल को लेकर के कोई डर नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सीधे बताती हैं कि पार्टी के अंदर कहीं भय है। आपने अपने पुराने नेताओं को छोड़ करके अचानक किरण बेदी का चेहरा आप सामने लाए, पहली चीज। दूसरी चीज, पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह खुद पार्टी ऑफिस में जाकर प्रदेश बीजेपी में मीटिंग्स ले रहे हैं, वहां पर लोगों को मतलब वो कर रहे हैं कि अलर्ट कर रहे हैं कि लग जाओ। फिर जिस तरह से आपने मंत्रियों को, सांसदों को, सबको उतार दिया है, साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर हड़बड़ाहट है, और वो भी उस जगह पर जहां की 7 सीटें आपने जीती हैं लोकसभा के अंदर, तो ये डर क्यों है? संगीता जी, आप बहुत समझदार पत्रकार हैं, बहुत दिनों से मैं आपको चैनल्स में देखता रहता हूं। डर नहीं है, अगर राजनीतिक दल से विरोध होता ना, कांग्रेस से, देखिए मैंने पहले कहा कांग्रेस डरे नहीं, कम्युनिस्ट, दोनों पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, वर्षों का इतिहास है, ये दल नहीं है, ये अन्ना की श्रद्धा से उपजी ऐसी फसल है जो अराजक तत्व है। और अराजक तत्व, आपने देखा होगा कि सेना लड़ तो सकती है सामने, लेकिन अगर इस तरह के जैसे आजकल घुसपैठ होते हैं, वार होता है। प्रभाजी, इससे नहीं लगता कि जिस जनता ने आपको वोट दिया था लोकसभा चुनाव में, उसी जनता पर आपको एतबार नहीं रहा कि वो तथाकथित अराजक तत्वों को ठिकाने लगा सके, कि आपको अपनी पूरी कैबिनेट को उतारना पड़ रहा है, आपको इसका इस तरह का प्रचार करना पड़ रहा है, उस जनता पे एतबार नहीं रहा आपको? किसने कहा जनता पे भरोसा है और जनता को आगाह करना है? क्या कैबिनेट, अब अमित शाह जी, एक चुनाव हो रहा है दिल्ली में तो अमित शाह जी झारखंड में भी जाते थे, महाराष्ट्र में भी बैठकर, अब दिल्ली में आपको दिख रहा है अमित शाह जी का स्वभाव है, वो रणनीति के चाणक्य हैं, वो चुनाव जीतने में विश्वास रखते हैं, जनता को जगाने में विश्वास रखते हैं, और इसलिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उन्होंने यहां पर कमान संभाली है, और अपने सारे लोगों को जी, उन्होंने सभी को कहा है, अगर उड़िया का कोई है तो भैया उड़िया में लग जाओ, कोई बंगाल का है तो बंगाल में लग जाओ, कोई बिहार का है तो बिहार में, और इसलिए हम चुनौती मानते हैं चुनाव को, और चुनौती में कल हो के मान लीजिए हम कुछ रह जाए, नंबर एक ही रह जाए, आप क्या कहेंगे? उस सवाल के लिए भी हम जवाब तैयार हैं, इसलिए हम ऐसी परिस्थिति नहीं आने जाते हैं। दूसरा, मैंने पहले शब्द से कहा है कि अराजक तत्व को राजनीति में नहीं रहना चाहिए। अगला सवाल प्रभात जी, मैं संतोष भारती, चौथी दुनिया अखबार से। आपकी दो बातों से मैं सहमत हूं कि 10 तारीख को इन सारी चीज़ों का पता चलेगा, जाहिर है, पर फिर भी हम पत्रकार हैं, कुछ अपनी सवाल पूछने पड़ते हैं। दूसरा ये कि आपकी पार्टी खून पसीने से बनी हुई पार्टी है, पर इस खून पसीने से बनी हुई पार्टी में एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिला जो मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य हो, नंबर एक। अरविंद केजरीवाल का डर, हम बार बार नाम इसलिए ले रहे हैं कि आपने अरविंद केजरीवाल को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी बना लिया, आप उनके अखाड़े में जाके लड़ रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपके कोई सवाल हैं ही नहीं जिनका जवाब अरविंद केजरीवाल ने। और तीसरा महत्वपूर्ण, पहली बार आपने दिल्ली में चलो चले मोदी के साथ नहीं, चलो चले बेदी के साथ कर दिया, कि यहां पर हारने का डर था जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी अब हमारा चेहरा नहीं है, जो बाकी प्रदेशों में जिनके नाम आपने लिए आप जीते, यहां पर आपको किरण बेदी को लाना पड़ा, ये कैसी राजनीति है? पहली बात तो हमारी पार्टी, आपने देखा होगा, पार्टी वो सजीव और सक्रिय होती है जो समाज के निगाह को, समाज के पल्स को समझने की कोशिश करती है। इसका यह अर्थ नहीं कि मेरी पार्टी में नेता नहीं थे, हम नहीं चाहते कि बाई इलेक्शन के आग में, अग्नि में हम झोंक दे पूरी सरकार को,
फिर एक नया इलेक्शन हम पैदा करते दिल्ली में अगर हम डॉक्टर हर्षवर्धन जी को लाते तो। केंद्रीय मंत्री हैं, समाज की सेवा कर ही रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर ही रहे हैं। जब नहीं थे तो हमने लाया ही था उनको पिछली बार। अगला सवाल। प्रभात जी, मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है, मिलेनियम पोस्ट अखबार से हूं। अभी आपने अपने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी की कुछ जो गुण है एज कैंपेन मैनेजर बताया। अमित शाह जी यही घोषणा पत्र के मंच पे आए थे, उनसे सवाल पूछा गया था, आप यूपी के प्रभारी हो कहा जाता, आपने पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया। तो उन्होंने कहा जब प्रभारी मैं हूं तो कैसे चलाना ये मैं समझता हूं। दिल्ली के प्रभारी आप हैं, क्या दिल्ली में को आप चला पा रहे हैं या अमित शाह जी ही पूरा दिल्ली को चला रहे हैं? क्या दिल्ली में नेताओं लोग नहीं रहते हैं? क्या मैं अरुण जेटली जी से संपर्क नहीं करूं? क्या सुषमा जी से संपर्क नहीं करूं? क्या आडवाणी जी से संपर्क नहीं करूं? क्या दिल्ली में जो नेता रहते हैं उनसे बातचीत नहीं करूं? क्या इन लोगों से बात करना मेरे प्रभारपन पे कोई बात आती है? मेरा दायित्व तो है जहां जब जैसे जिनके माध्यम से यह चुनावी चुनौती जीतना है उस पर हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगला सवाल। प्रभात जी, मैं अनिल आनंद पत्रकार हूं। आप जिस चक्रव्यूह की रचना के बारे में विवरण दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप चुनौती को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। मेरा सवाल, मैं फिर आपको दिल्ली की तरफ ला रहा हूं, किरण बेदी की तरफ ला रहा हूं, कि जिस तरह से रात के अंधेरे में बैकडोर से उनको यहां लाया गया, कुछ जवाब तो आपने अपना पूर्व जो आपने वक्तव्य दिया उसमें दिया, क्या ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस माना जाए दिल्ली की लीडरशिप के प्रति? क्योंकि आपने अभी खुद कहा कि हर्षवर्धन आके एक जगह रुक गए, उसके आगे शायद नहीं जा पाते, आपने विजय गोयल को भी दरकिनार कर दिया। मेरा ख्याल तो ये था कि डॉक्टर हर्षवर्धन सबसे काबिल और ऑनेस्ट नेता थे दिल्ली के, तो जिस तरह से उनको सिस्टमैटिक तरीके से काटा गया, उनका एक बड़े सक्सेसफुल हेल्थ मिनिस्टर थे दिल्ली के, उनको हेल्थ मिनिस्ट्री से हटाया गया, दरकिनार कर दिया गया, तो क्या ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है? ठीक, एकदम नहीं। वे आज भी केंद्रीय मंत्री हैं, कल भी केंद्रीय मंत्री थे। एक बात, पार्टी नहीं उन्हें प्रस्तुत किया था मुख्यमंत्री के रूप में, अविश्वास नहीं किया था, विश्वास किया था। आज एक साल बाद चुनाव हो रहा है, आज वे केंद्रीय मंत्री हैं, वे उस रूप में दिल्ली की सेवा करेंगे, और इसलिए ना ये विजय गोयल जी के प्रति अविश्वास है, ना हर्षवर्धन जी के, ये जनता के प्रति विश्वास है कि हां आप चाहते हैं ये लीजिए, हमारी पार्टी में आई है और एक अच्छा, जिसको दिल्ली ने देखा है, जांचा है, परखा है, हर रूप में देखा है, और फिर आधी आबादी का प्रतिनिधित्व और पूरी जनता का नेतृत्व करने की क्षमता प्रभात जी में है। हमने कोशिश की, किरण जी की सियासत को अभी किसी ने नहीं परखा है, कोई नहीं जानता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत एकांगी भाव से काम करती हैं, तुम मुझे सुनो, मैं तुम्हें ऊर्जा दे रही हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है किस्म का जुआ खेल रही हैं आप? नहीं नहीं नहीं, अभिसार जी ऐसा नहीं है, जनता के बीच में ही वो नवज्योति के माध्यम से काम कर रही है। अनेकानेक, देखिए मैं एक छोटा उदाहरण, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर लोग उन्हें मानते हैं, एक ब्रांड के तौर पर लोग मानते हैं, हालांकि किरण बेदी को लेकर भी कुछ धारणाएं टूटी हैं पिछले कुछ दिनों में। यही बात, सवाल ये कि हाँ खुद भी मान लिया उन्होंने, मगर सवाल ये कि उनकी सियासत को नहीं परखा गया है, तो आप बिल्कुल आप जुआ तो नहीं खेल रहे हैं? सवाल ही नहीं है, हम जनता जनार्दन की सेवा में लाए हैं और वह एक सफलतम बनेगी, राजनीति में ये सिम्टम्स दिखते हैं। शीला रावल बोल रही हूँ। हमें लगता है कि बीजेपी ने साम दाम दंड भेद कूटनीति के सारे दांव लगा दिए दिल्ली में, कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दिल्ली की जनता को या दिल्ली की नब्स को जानने में असफल रह रही है, ऐसा क्यों? ना हमने साम दाम दंडभेद, ये तो एक फ्रेज है जो अक्सर लोग कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ होता है, प्यार में और इसमें सब कुछ होता है। हम इस समय देखिए जनता को आगाह करना, जनता जनार्दन है, उसके मत से ही हम सियासत में आते हैं, इसलिए जनता को आगाह करना यह हर स्तर पर, चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे वो रैलियों के माध्यम से हो, चाहे वो संवाद के माध्यम से हो, चाहे वो संपर्क के माध्यम से, क्यों ना करेंगे? और जनतंत्र के जितने भी पहलू होते हैं संपर्क करने के लिए, जनता के आगाह करने के, वो हम कर रहे हैं। मेरा नाम अकु श्रीवास्तव है, नवोदय टाइम से हूं मैं। 70 सीटें, 17 मंत्री, 120 सांसद, बड़ी नाइंसाफी है। लेकिन दूसरी तरफ प्रभात झा नाम का आदमी जो है वो दिल्ली भाजपा का अध्यक्ष है और एक नाम वो प्रभारी है, और उसके नेतृत्व में भी आलम यह है कि जो जनता का यहाँ दिल्ली का डेमोग्राफिक हिसाब किताब है उसमें जिस तरीके से पूर्वांचली हैं और बाकी लोग हैं, मतलब 30% से ज़्यादा बताए जाते हैं, लेकिन उनको 3 सीटें दी जाती हैं, ये बड़ी नाइंसाफी नहीं है? देखिए राजनीति में आप भी जानते हैं
कि बिहार से उत्तर प्रदेश से लोग यहां क्यों आते हैं, अपने जीवन को बदलने आते हैं, राजनीति के लिए नहीं आते। मैं बहुत इस पर मैं खुद पूर्वांचली हूं, मैंने बहुत अध्ययन किया है 9 महीने में पूर्वांचली का। यहां पर आज उनके जीवन स्तर को उठाने का सरकार को बीड़ा उठाना पड़ेगा, केंद्र सरकार को उठाना पड़ेगा। आज मेरे पूर्वांचली में 2 महीने की अगर रोटी नहीं मिले तो खाना नहीं खा सकता, अगर रोजी रोटी नहीं करे तो 80 से 90% लोग कहां रह रहे हैं, मैंने देखा है झुग्गियों में जाकर। उनके जीवन चरित्र को बदलना है और इसलिए उनसे राजनीति कैसी होगी आप जानते हैं जी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनके साथ अन्याय हो। मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती, मेरा बेटा पढ़ नहीं सकता अगर मैं 1 महीने नौकरी नहीं करूंगा तो। मैं पेट के लिए यहां पर आता हूं। इस चीज को समझने की कोशिश करके उसके बावजूद हमने 4 लोगों को, 2 पूर्वांचली, क्या मनोज तिवारी पूर्वांचली नहीं है, क्या उदित राज जी पूर्वांचली नहीं है, हमने 5 में से 2 सांसद बनाए, हमने 4 को टिकट दिया है और 4ों जीतने की स्थिति में है। और आइए अब रुख करते हैं हमारे अगले बड़े सवाल का कि किरण बेदी के चेहरे पर विश्वास क्यों। प्रभा जी, ये अपशकुन मानेंगे आप कि इतने कम दिन रह गए हैं, किरण जी की आवाज चली गई है, एक ऐसे वक्त जब उनकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। अब कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रही है कि साहब उनकी आवाज गई नहीं, उन्हें कहा कि आप चुप रहिए क्योंकि आप जितना बोल रही हैं आप उतना हमारा नुकसान कर रहे हैं। नहीं 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 साहब, सर जी नहीं है, ये चुप रहने देखिए गले की। अब मुझे आप कहेंगे 7 दिन तक बोली और आपसे कोई कहे कि रोज एंकरिंग कर ही रहे हैं आप, हमारे आपकी आवाज नहीं, क्योंकि आदत में आ गया है बोलना, बातचीत करना, संवाद करना, वो उनकी आदत में नहीं था। वैसे भी पुलिस बहुत डिसिप्लिन वे में बात करती है और इसलिए लगातार एक एक दिन में 10-10 रैलियां, 5-5 रैलियां हो रही हैं, एक एक लोगों से बात करनी पड़ती है, उसमें उनका वास्तव में गला रुंध गया, एकदम ये हो गया है। और मैंने स्वयं कल उनको व्यापारियों की बैठक में देखा था, वहां पर भी उन्होंने हाथ जोड़ के उनके बदले मांगीराम जी ने वोट मांगे और कहा मेरा, और ये होता है कभी कभी, हम लोगों का भी हो जाता है। मैं आर के कपूर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूं, मैं अभी ये पूछना चाहता हूं कि किरण बेदी जी डिबेट से, गला तो उनका अभी बैठा है, वो तो पहले ही डिबेट से भाग चुकी हैं और हमें ऐसा डाउट लगता है, शक लगता है कि जब वो डिबेट से ही भाग गई हैं, उस मुद्दे से भाग गई हैं, तो कल जनता के जो मुद्दे आएंगे तो उनसे भी वो भाग जाएंगे क्योंकि अब तो उनकी आदत है भागने की। जनता दरबार लगाते समय जब कहा था, दरबार जब आया तो छत पे कौन भाग गया, किरण बेदी नहीं भागी थी, छत पर कौन कूद गया था, किरण बेदी नहीं कूदी थी। इसलिए टेस्ट करिए, भारतीय जनता पार्टी ने टेस्टेड पर्सनैलिटी को दिया है। अगला सवाल। प्रभात जी, मेरा नाम जेपी यादव है, मैं टेलीग्राफ अखबार से हूं। आप अरविंद केजरीवाल पर ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो अराजक हैं और जनता को कह रहे हैं सावधान उधर मत जाइए, किरण बेदी भी तो उसी जमात से आई हैं, क्या वो अराजक नहीं है? वो भी इसलिए बता रहा हूं यादव जी, मुख्यमंत्री रहते हुए गणतंत्र दिवस के दिन क्या किरण बेदी ने ऐसा काम किया? तिरंगे का अपमान करने का अधिकार आप किसी को भी दे देंगे? वह तो वही कर सकता है जो इस देश के तिरंगा से प्रेम नहीं रखता है। और इसलिए हम कह रहे हैं, हमारा आरोप है कि तिरंगा से कोई प्रेम नहीं रखने वाले व्यक्ति का नाम यदि कोई पूछता है तो उसका नाम मैं सहज कह सकता हूं, अरविंद केजरीवाल। नहीं, आप कह रहे हैं चरित्र नहीं देखा है। मैं आपको वाधवा कमीशन की जो लॉयर्स किसको लेकर विवाद है, मैं बहुत ही स्ट्रांग इंडिक्टेंट था, मैं उस रिपोर्ट से मैं आपको एक लाइन पढ़ना चाहता हूं कि वाधवा कमिश्नर जो स्ट्रांग इंडिक्टमेंट किया था कि उन्हें ऊंचे पद में ना जाने दिया जाए, ये वाधवा कमीशन का ऑब्जर्वेशन था। ये भी कहा गया था कि उन्होंने बाकायदा हायर्ड गुंडों का इस्तेमाल किया था लॉयर्स पर हमला करने के लिए, ये वाधवा कमीशन का अपना ऑब्जर्वेशन था, बहुत तल्ख ऑब्जर्वेशन था। तो आप जो कह रहे हैं अराजकता वाली बात, ये तो जब वो पुलिस में थी तो इस तरह की बार टिप्पणी उनके बारे में की गई थी। अभी जो बात आई, देखिए क्या है, यह टिप्पणी उनके कार्य पद्धति पर आपने बताया, मैंने देखा नहीं है ना मैंने पढ़ा। वाधवा कमीशन का ऑब्जर्वेशन है, मैं ये है, इट इज देयर इन द इंटरनेट। उनकी कठोरता का, प्रशासनिक कठोरता का सबको मालूम है कि इंद्रा जी के जमाने में अगर उनके गाड़ी की कैन देखिए, आप गुंडों को हायर कर नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, वाधवा कमीशन के मुताबिक आपने गुंडों को हायर किया और लॉयर्स पर हमला करवाया, वाधवा कमीशन के मुताबिक इन्हें ऊंचा पद न दिया जाए, ये एक अदालती जांच के बाद सामने उभर कर आया है। देखिए ये उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा होगा, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि क्या जनता जनार्दन के डेमोक्रेटी में आप वोट के माध्यम से नहीं लाएंगे आपको? मैं मनोज मिश्र हूं जनसत्ता से। असल में अभी आरोप ये लग रहा है या आपकी ओर से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार अपने बयान पलट रहे हैं, अपने स्टैंड को बदल रहे हैं।
आपने या आपके सारे नेताओं ने ये बार बार कहा था कि हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी से नहीं है, कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी के चुनाव में कहीं है ही नहीं। प्रधानमंत्री ने 10 मिनट उन पर भाषण किया और तब से लगातार, चूंकि प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के हैं और सब लोग, लगातार सारे नेता उन्हीं पर क्यों हमला कर रहे हैं, कांग्रेस गौण हो गई। जवाब मनोज जी, मैं एक अच्छा प्रश्न का उत्तर दे दूं, वे हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। आज मनोज मिश्र से भी कोई पूछेगा कि आपके प्रधानमंत्री कौन है तो आप कहोगे नरेंद्र मोदी। मैं जब विपक्ष में था तब भी मैं कहता कि मेरे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो सबके मत प्रधानमंत्री हैं। दूसरा सवाल, उन्हें उनका भी नैतिक दायित्व है कि जब वो देश के नाम संदेश दें तो ये बताएं कि दिल्ली में अराजक तत्वों का महत्व नहीं होना चाहिए, नक्सलाइट माइंड जिसका है वो उसको राजनीति में नहीं रहना चाहिए। घोषणा पत्र को हमने दृष्टि पत्र कहा। मगर मतभेद नहीं है, क्योंकि 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 स्टेटहुड के मुद्दे पर किरण बेदी और हर्षवर्धन के रवैये में जमीन आसमान का फर्क है। क्या क्या इस वजह से ये घोषणा पत्र अटक नहीं गया है? नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं अटका है, बहुत जल्दी स्टेटहुड का मुद्दा, मसलन प्रभात जी स्टेटहुड के मुद्दे पे ये दोनों सवाल ही नहीं है। ना, एक एक पंक्ति गीता की ऋचाओं की तरह पवित्र है और वो दोनों की समझ में है। 12-15 लोगों की कमेटी है, वह फिर से उसको पढ़ रही है और उसमें अच्छी बातें जोड़कर जनता के सामने लाएंगे। ठीक, अगला सवाल। प्रभात जी, मेरा नाम एनके सिंह है। एक लंबे समय से आप चुनाव लड़वा रहे हैं मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, और मैं उसको कवर करता रहा हूं रिपोर्टर के रूप में और बाकी सीनियर पोजिशंस पे। आज से 10 साल पहले तक आप बड़े स्पष्टवादी थे, साफ साफ बोलते थे। इधर शायद सत्ता का दोष है कि अब आप उतना साफ नहीं बोल पा रहे हैं। 8 महीने हुए सत्ता। तो बहरहाल अभी आपने कहा कि एनार्किस्ट हैं अरविंद केजरीवाल, कितना मजाक लगता है। कई बार आप जब आंसर देते हैं तो कन्विंसिंग नहीं होता और उससे कई बार जनता भी मुतासिर नहीं होती है। 31% यही जनता दिल्ली की जब अरविंद केजरीवाल को देती है लोकसभा के इलेक्शन में, जिसमें कहा जाता है मोदी जी का लहर है, देश में मिलता है मोदी जी को 31%, तो उनकी लहर और रहनुमा और सब कुछ हो जाते हैं। दिल्ली की जनता 31% देती है तो नहीं 31.8 है देती है तो आप कहते हैं कि वो एनार्किस्ट है। तो ये जनता में विश्वास नहीं है या आपको अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है या मानसिक दिवालियापन है कि आपको रातों रात किरण बेदी को लाना पड़ता है? एक पार्टी जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से आई है उसको अपना नेता नहीं मिलता, वो तमाम राज्यों में चीफ मिनिस्टर नहीं डिक्लेयर करती है, लाती है तो बाहर से लाती है, तो लगता नहीं कि मेंटल बैंकरप्सी इस पार्टी में बहुत ज्यादा हो गया है? नहीं 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 नहीं, ये भी एनके सिंह साहब एक जनता पर अविश्वास है। क्या जो इस तरह से करप्ट है या हमारे मानसिक रूप से हम कमजोर हैं तो क्या जनता ने हम पर ऐसा अविश्वास किया है? जनता ने गलत विश्वास किया हम पर, ये भी एक आरोप गलत है। कोई व्यक्ति जो कि 8 घंटे पहले बीजेपी में शामिल होता है फिर सीधे चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बन जाता है, कहीं ना कहीं लगता है कि जजमेंट में गलती रही, जिससे कि 4 दिन में उनका गला फंस जाता है और उनके बयान कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पार्टी को तकलीफ होती है? नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो ऐसा कोई बयान नहीं हुआ है जिसके कारण तकलीफ हो। एक बात जनता भी समझती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ से पॉलिटिकल लाइफ में आने पर इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। फिर से आंदोलन पर आने वाले हैं उसके लिए आपके अन्ना सामाजिक क्रांति के दूत हैं। आप तौर पर क्या उनके उस वक्तव्य से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो प्रधानमंत्री के काले धन के मुद्दे पर उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है फ्रॉड, तो क्या आप उस शब्द से इत्तेफाक रखते हैं? अन्ना बुजुर्ग हैं, अन्ना तत्काल चाहते हैं कि कोई निर्णय आए अन्ना के मुंह से। आप उनकी उनकी फोटो पर माला भी चढ़ा देते हैं? निश्चित, वो माला सिद्धांतों की जो श्रद्धांजलि दी गई है केजरीवाल द्वारा उसका प्रतीक। प्रभात जी, आपने अपने अभी एक सवाल के जवाब में कहा कि वो घोषणा पत्र हो कि दृष्टि पत्र कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब संविधान और जासूसी उपन्यास सब एक ही बराबर है। ये मैं कह रहा हूं कि आप उसके कहने का अर्थ है वो दोनों के अलग अलग अर्थ हैं और दोनों का अलग मूल्य है, लोग उसको उसी तरह समझते हैं। क्या आप घोषणा पत्र से इसलिए पीछे हट रहे हैं, जैसा आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि दिल्ली का सामाजिक विकास, नैसर्गिक विकास, आर्थिक विकास और भौगोलिक विकास होगा। ये भौगोलिक विकास दिल्ली का कैसे होगा? आप उत्तर प्रदेश काट लेंगे, राजस्थान काट लेंगे, हरियाणा काट के दिल्ली में भौगोलिक विकास कैसे होता है? ये हमने इसलिए कहा है कि यहां पर इस सब दृष्टि से विचार करके ही बहुत सारी बातें कही गई हैं। विकास तो हर दृष्टि से होना चाहिए और जहां पर भी है, अगर हम नोएडा बॉर्डर में दिल्ली में है, फरीदाबाद बॉर्डर पर, तो उसका भी विकास होना चाहिए। क्या रात को सपने में भी आपके केजरीवाल आते हैं? आते हैं तो आप क्या करते हैं फिर? केजरीवाल को सपने में सिर्फ किरण बेदी आती है आजकल,
और कोई नहीं आता, मेरे सपने में तो कमल का फूल के सिवा कुछ भी नहीं आता है। जानना चाह रहा हूं कि क्या ये बात सही है कि अगर पार्टी जीतती नहीं है तो इसका ठीकरा जो पार्टी में नई कैंडिडेट आई हैं उन पर फोड़ा जाएगा, और इसकी एक तैयारी थी? क्या पार्टी में ये भाव है कि भाई किसी तरह से बाजी निकल रही थी तो इनको ढूंढ के लाओ? देवांग जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं, आप जैसा ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन और मेरे जैसे कमिटेड कार्यकर्ता से पूछा जाएगा, मैं कैसे कहूंगा कि अगर सवाल ही नहीं उठता, मैं दीवार पे लिखा पढ़ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजी कि आप कोई स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं, बताएं जरा। चोर के दाढ़ी में तिनका, ये कहावत हिंदी की है, हमने कहीं कोई चर्चा नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात झा जी, जिनकी जिम्मेदारी है दिल्ली की, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि चुनौती भी गंभीर है। घोषणा पत्र में इसी तरह से खास मेहमान आपसे रूबरू होते रहेंगे, मगर एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।